सालों पहले इंसान ने स्पेस में जाने के लिए स्पेस स्टेशन का आविष्कार किया था। इंसान द्वारा बनाया गया स्पेस स्टेशन एक स्पेसक्राफ्ट होता है जो अर्थ के स्पेस में फ्लोट करता है, क्योंकि ये अर्थ को सर्कल करता है और इसे ऑर्बिटल स्टेशन भी कहते हैं। स्पेस स्टेशन स्पेसशिप को रेफर करते हैं जो अपने क्रू मेंबर्स को परमानेंटली स्पेस में रहने में मदद करता है। कुछ स्पेसशिप्स ऐसे डिजाइंड होते हैं जो स्पेस की आउटर एरिया में रह सके, और कुछ स्पेसशिप्स ऐसे होते हैं जो स्पेस स्टेशन में लैंड भी कर सकते हैं। अभी के वक्त में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फंक्शनिंग और ऑपरेशनल स्पेस स्टेशन है जो अर्थ के ऑर्बिट में दिखते हैं। सबसे पहले स्पेस स्टेशन 19 अप्रैल 1971 में सोवियत यूनियन द्वारा लॉन्च किया गया था। तब से स्पेस स्टेशन साइंटिफिक रिसर्च करने, दूसरे प्लैनेट्स की जानकारी खोजने के लिए काफी यूजफुल है। इसके सिवा स्पेस स्टेशन के और क्या यूजेस है और ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, उसके बारे में हम इस वीडियो में जानते हैं। लेकिन अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारी चैनल आस्क आई गुरु को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखते हैं कि स्पेस स्टेशन की इम्पोर्टेंस क्या है। ऐसे देखा जाए तो जीरो ग्रेविटी के साथ स्पेस स्टेशन में रहना कोई आसान बात नहीं है, क्योंकि हम इंसानों की बॉडी जीरो ग्रेविटी को अडेप्ट नहीं कर पाती है। इसीलिए क्रू मेंबर्स को स्पेस में जाने के पहले हर बात की ट्रेनिंग देते हैं। लेकिन स्पेस स्टेशन भी इतने अच्छे से बनाए होते हैं कि जिसमें रिसर्च लेबोरेटरी भी होती है, और जो रिसर्च स्पेस स्टेशन की लेबोरेटरी में होता है वो और कहीं करना पॉसिबल ही नहीं है। तो अब स्पेस रिसर्च स्टेशन के कारण काफी खोज की गई है जो दुनिया के लिए फायदेकारक रही है। सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें न्यूटन ने एप्पल के गिरने के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स की खोज की थी, लेकिन स्पेस स्टेशन के कारण साइंटिस्ट ने जीरो ग्रेविटी में कैसे रह सकते हैं उसका अनुभव लिया। स्पेस में रहने वाले साइंटिस्ट हमसे बेहतर समझते हैं जीरो ग्रेविटी या माइक्रो ग्रेविटी में रहना क्या होता है। स्पेस स्टेशन के कारण ही हम दूसरे प्लैनेट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। फ्यूचर में भी हम स्पेस स्टेशन के कारण बाकी प्लैनेट्स की जानकारी और ज्यादा मिलेगी। साइंटिफिक रिसर्च स्पेस, क्लाइमेट, एस्ट्रोनॉमी से रिलेटेड जितनी भी रिसर्च अभी तक हुई है उसके लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन मेन बेस है। स्पेस स्टेशन के बिना अलग फील्ड्स में रिसर्च करना कभी पॉसिबल नहीं होता। स्पेस स्टेशन के कारण एक्सपेरिमेंट करने के लिए रिसर्च स्टाफ और रॉकेट लॉन्चेस की जरूरत कम पड़ी है, क्योंकि एक स्पेस स्टेशन की लेबोरेटरी में एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोबायोलॉजी, स्पेस मेडिसिन, ह्यूमन रिसर्च, स्पेस वेदर और खासकर अर्थ पे कैसा वेदर होता है, ऐसी सारी टॉपिक्स की जानकारी स्पेस स्टेशन में होने वाले रिसर्च से मिलती है। इसके सिवा स्पेस स्टेशन में काफी लॉन्ग टाइम तक रहने के कारण एस्ट्रोनॉट्स को बोन से रिलेटेड तकलीफें होती है। उस बात पे भी मेडिकल रिसर्च किया गया था। जब एस्ट्रोनॉट्स कोई दूसरे प्लेनेट पे जाते हैं तब उनकी बॉडी वहाँ के एटमॉस्फेयर से अडेप्ट कर सकती है या नहीं, वो भी जरूरी होता है। यह 2006 के रिसर्च के हिसाब से पता चला था कि कुछ एस्ट्रोनॉट्स जो इम्पेयर्ड मूवमेंट्स, बोन लॉस और फ्रैक्चर जैसी तकलीफें हुई थी, ये प्रॉब्लम्स की वजह स्पेस के एटमॉस्फेयर में रहने के बाद दूसरे प्लेनेट पे लैंड होने के कारण होती है। इस तरह से स्पेस स्टेशन हम लोगों के लिए काफी ज्यादा यूजफुल है, जो हमें हर एक टॉपिक के बारे में बहुत सी जानकारी देते हैं। अगर स्पेस स्टेशन नहीं होते तो हमें दूसरे प्लेनेट्स की जानकारी नहीं मिलती, और इसके सिवा हमें रोज के वेदर की जानकारी देने के लिए भी स्पेस स्टेशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब स्पेस स्टेशन से जुड़ी आपके पास और भी कुछ जानकारी है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगले वीडियो तक के लिए अलविदा दोस्तों, धन्यवाद।